गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर सेकंड, कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब देखिए, चैप्टर के नाम से ही हमें समझ में आ रहा है, कंपोनेंट्स ऑफ फूड यानी कि खाना किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो क्या क्या हैं, हम वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फूड कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स होते हैं पोषक तत्व जो हमारी बॉडी में, जब हम खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, तो हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, पोषण मिलता है और उससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है, ग्रोथ होती है। न्यूट्रिएंट्स आर सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी फॉर हेल्दी ग्रोथ एंड फंक्शनिंग। अब देखिए, न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी, जिनकी आवश्यकता है हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी को नीड है जिन सब्सटेंसेस की, जिससे क्या कर सके, हमारी ग्रोथ हो सके और हमारी जो बॉडी है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अब फंक्शनिंग यहाँ आया है, अब ग्रोथ तो समझ में आ रहा है, फंक्शनिंग कैसे, देखिए हम लोग चलते फिरते हैं, पढ़ते हैं, उठते बैठते हैं, तो हमें ताकत, जो एनर्जी है वो हमें खाने से मिलती है। अगर हम लोग एक दिन खाना नहीं खाएंगे, दो दिन खाना नहीं खाएंगे, तो हमसे जो नॉर्मल हमारे डेली रूटीन वर्क हैं, यानी चलना, उठना, बैठना, तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसलिए फंक्शनिंग के लिए, बॉडी के काम करने के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है। द फूड दैट वी ईट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स और कंपोनेंट्स। अब देखिए, जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, अलग अलग न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं और अलग अलग कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं। देयर आर फाइव मेन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। अब देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया कि अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, अब वो कंपोनेंट्स हैं क्या, तो हमने उन कंपोनेंट्स, वो जो कंपोनेंट्स हैं, वो फाइव मेन कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, जो भी खाना हम खाते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट्स, तीसरा है प्रोटीन, थर्ड है विटामिन्स एंड द लास्ट वन इज़ मिनरल्स। तो ये सारे ही पांचों क्या हैं, कंपोनेंट्स हैं फूड के, जो कि हमें न्यूट्रिशन, हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स देते हैं। अलॉन्ग विद दिस वी आल्सो रिक्वायर डाइट्री फाइबर एंड वाटर। अब इन पांचों के अलावा हमें डाइट्री फाइबर्स भी चाहिए और पानी भी चाहिए। अब ये डाइट्री फाइबर्स क्या हैं, ये हम सब डिटेल में आगे पढ़ेंगे। दीज कंपोनेंट्स टुगेदर कीप द बॉडी हेल्दी। अब ये सारे ही कंपोनेंट क्या करते हैं, एक साथ मिलकर हमारी बॉडी को हेल्दी रखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर इम्पॉर्टेंट टू आवर बॉडी। ये सेकेंड पैराग्राफ पर आ गए हम, कार्बोहाइड्रेट्स पर। ये क्या है, हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दे प्रोवाइड अस द एनर्जी नीडेड टू वर्क थ्रू द डे। अब हम दिन में जो काम करते हैं, जितना भी हम वर्क कर रहे हैं, स्कूल आ रहे हैं, टीचर्स हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, पढ़ते हैं, फिर पीटी टाइम आता है उनका, प्ले टाइम, वो खेलने जाते हैं, लंच में खेलते हैं, तो वो सब पूरी एक्टिविटीज़, ये जो हम हमारी डेली एक्टिविटीज़ करते हैं, इसे करने की ताकत हमें कहाँ से मिलती है, वो हमें कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं। स्टार्च एंड शुगर आर द टू मेन टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट आर फाउंड इन फूड। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट्स के भी दो मेन टाइप आपकी बुक के अंदर आए हैं, पहला है स्टार्च और दूसरा है शुगर। ठीक है, शुगर को हम ग्लूकोज भी कह सकते हैं, ग्लूकोज का नाम तो आपने सुना ही होगा, ग्लूकोन डी आता है, आपको ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज की बोतलें चढ़ती हैं हॉस्पिटल्स में, तो शुगर वो क्या होता है, शुगर है ये, शुगर वो शुगर नहीं है जो हमारे किचन्स में अवेलेबल है, जो हमारे खाने को एक स्वीटनेस देती है, नहीं, ये वो शुगर नहीं है। हालांकि उस शुगर के अंदर भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, यहाँ शुगर आया है ग्लूकोज के लिए, ग्लूकोज को हम शुगर भी बोल सकते हैं। तो स्टार्च और शुगर क्या है, दो मेन कंपोनेंट हैं, दो मेन टाइप्स हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए, जो कि हमारे खाने में मिलता है। आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। पहला है शुगर, टेबल शुगर। टेबल शुगर वही शुगर है जो आपके किचन्स में मिलती है, फ्रूट्स, आपके जो फल वगैरह होते हैं उनमें भी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, एंड हनी आर सम सोर्सेज ऑफ शुगर। अब देखिए, शहद के अंदर भी शुगर होती है। मिल्क कंटेंट्स ए टाइप ऑफ शुगर कॉल्ड लैक्टोज। अब देखिए, शुगर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, आपके कोर्स में एक वर्ड आया है लैक्टोज, ये क्या है, शुगर का नाम है, एक टाइप है शुगर का, जो किस में पाया जाता है, मिल्क के अंदर, दूध के अंदर पाया जाता है शुगर, और क्या नाम है शुगर का, लैक्टोज। स्टार्च, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। अब देखिए, अभी हमने शुगर तो पढ़ लिया, ग्लूकोज के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे स्टार्च के बारे में। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द फॉर्म ऑफ शुगर। अब देखिए, मैंने बताया ही था, फोटोसिंथेसिस हमने पढ़ा था, पत्तियों के अंदर सनलाइट की प्रेजेंस में, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में पत्तियाँ पेड़ों के खाना बनाती हैं। तो जो वो खाना बनाती हैं, किस फॉर्म में बनाती हैं, वो डिशेस थोड़ी बनाती होंगी वो, जैसी हमारी नॉर्मल घरों पर बनती हैं, वो बनाती हैं शुगर, उसी को हम कहते हैं ग्लूकोज।
some of which is converted and stored as starch in the plants. अब वो जो शुगर इन्होंने बनाई, ग्लूकोज बनाया, वो क्या होता है, पत्तियों में तो बन गया वो ग्लूकोज, लेकिन प्लांट के बॉडी के अंदर स्टार्च के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है. पहले तो जो प्लांट के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, इंटरनल पार्ट्स, उसके अंदर जो भी केमिकल रिएक्शन, जो भी कुछ हो रहा है, वो शुगर को किस में कन्वर्ट कर रहा है, स्टार्च के फॉर्म में. और वो स्टार्च क्या होता है, स्टोर किया जाता है प्लांट्स के अंदर. अब हम कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कि वो कौन से स्टार्च हैं, कौन सी शुगर थी जो कि स्टार्च में कन्वर्ट हुई और फिर प्लांट ने उसे स्टोर करा. वो है राइस, आपके चावल. चावल भी क्या है, स्टार्च है. चावल के अंदर बहुत सारे मात्रा के अंदर, अमाउंट में स्टार्च प्रेजेंट होती है. दूसरा है वीट, आपका गेहूँ. कॉर्न्स, आपका मक्का होता है. पोटैटोस एंड ब्रेड, आपके आलू हैं. और जो ब्रेड हम लोग खाते हैं उसके अंदर क्या है, आर सम सोर्सेज ऑफ स्टार्च. ये सोर्सेज हैं स्टार्च के. हमें अगर स्टार्च चाहिए, हमें एनर्जी लेनी है, तो एनर्जी के लिए हमें शुगर और स्टार्च की ज़रूरत है. ये कार्बोहाइड्रेट्स के पार्ट्स हैं, शुगर और स्टार्च. तो हमें ये चीज़ें किससे मिलेंगी, राइस, वीट, कॉर्न, पोटैटोस एंड ब्रेड, इनसे हमें स्टार्च मिलेगी. देखिए थोड़ा कंफ्यूजिंग है पर इतना ज़्यादा भी नहीं. हमने न्यूट्रिएंट्स पढ़ा सबसे पहले हमारे फर्स्ट पैराग्राफ में, कि वो सब्सटेंसेस जो हमारी बॉडी को नीड है, सब्सटेंसेस की जिससे हमारी बॉडी क्या रह सके, हेल्दी रह सके, हेल्दी ग्रोथ कर सके और डेली बेसिस पर फंक्शन कर सके, काम कर सके, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. हमने फिर दूसरे पैराग्राफ में न्यूट्रिएंट्स को 5 मेन कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर दिया था. फूड को हमने किस में करा था, 5 मेन कंपोनेंट्स में कैटेगराइज किया था. पहला था कार्बोहाइड्रेट, दूसरा था फैट, फैट का मतलब आप जानते हैं वसा, चर्बी. थर्ड है प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड देन मिनरल्स, ये 5 थे. फिर हमने 2 और पढ़े थे, डाइट्री फाइबर्स और वाटर. ठीक है, फिर हम इन सबको क्या कर रहे थे, वन बाय वन स्टडी करा हमने. सबसे पहले हमने अभी क्या पढ़ रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स. कार्बोहाइड्रेट्स के भी हमने 2 पार्ट देखे, स्टार्च और शुगर. शुगर क्या है, ग्लूकोज. हमने इनका देखा कि ये क्या काम करते हैं और किन चीज़ों से हमें शुगर मिलेगी और स्टार्च मिलेगा. लास्ट पैराग्राफ पर आइए, व्हेन वी ईट स्टार्च कंटेनिंग प्लांट. तो यानी जब भी हम ऐसा प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं जिसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट हो, आवर बॉडी ब्रेक्स डाउन द स्टार्च इनटू ग्लूकोज. और क्या करती है, फिर हम लोग जो उसे खा रहे हैं तो हमारी बॉडी उस स्टार्च को ग्लूकोज के अंदर, शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देती हैं, तोड़ देती हैं, विच कैन बी ईजीली यूटिलाइज बाय द बॉडी. अब देखिए स्टार्च तो इट ईजीली यूटिलाइज यानी काम में नहीं आता हमारी बॉडी के, लेकिन ग्लूकोज को हम ईजीली काम में ले सकते हैं. तो इसलिए क्या होता है, जब भी हम ऐसा कोई प्लांट का प्रोडक्ट खाते हैं, जैसे आप चावल खा रहे हो, गेहूँ खा रहे हो, मक्का खा रहे हो, ये सारे क्या हैं, गुड सोर्सेज ऑफ स्टार्च है. इसके अंदर हमें अच्छा सा स्टार्च मिलता है, अच्छी मात्रा में. तो खाने के बाद हमारी बॉडी क्या करती है, इस स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देती है ताकि हमारी बॉडी उसको यूटिलाइज कर सके, विच कैन बी ईजीली यूटिलाइज बाय द बॉडी. फिगर 2.1 शोज रिच सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब देखिए आप कार्बोहाइड्रेट कहो, स्टार्च कहो या शुगर कहो, एक ही बात है. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के ही ये 2 पार्ट्स हैं. तो ये सब क्या है कलेक्टिवली, इसमें देखो शुगर के भी पार्ट्स आए, ग्लूकोज के, हनी आया है. ठीक है, और बाकी के पार्ट्स किसके हैं, स्टार्च के, जिससे हमें ग्लूकोज मिलता है, शुगर में कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च. ये सारे हैं सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. अब देखिए यहाँ एक एक्टिविटी आई है, एम टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ शुगर ग्लूकोज इन ए सिंपल फूड सैम्पल. अब हमने अभी पढ़ रहे थे ग्लूकोज होता है खाने में, शुगर होता है, तो अब हम इस एक्टिविटी में देखेंगे उसकी प्रेजेंस खाने के अंदर. हम लोग यहाँ कुछ फूड सैंपल्स लेंगे और उससे हम लोग क्या करेंगे, शुगर की, ग्लूकोज की प्रेजेंस देखेंगे. मटेरियल्स नीडेड फूड सैंपल, कुछ कोई भी खाने का हम फूड सैंपल ले लेंगे. वाटर, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, टेस्ट ट्यूब एंड बंसन बर्नर. हम पानी लेंगे, फूड सैंपल लेंगे. अब यहाँ एक सॉल्यूशन नाम आया, केमिकल आया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन. एक टेस्ट ट्यूब लेंगे. टेस्ट ट्यूब्स क्या होती हैं, आप देखिए ये दिख रही हैं आपको फिगर के अंदर, इस फर्स्ट एक्टिविटी के फिगर है में ये जो टेस्ट ट्यूब्स हैं, लंबी लंबी ट्यूब्स होती हैं, उसके अंदर हम लोग इस एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे. और एक बंसन बर्नर है, एक छोटा सा बर्नर है जिसे हम जलाएंगे और उसके ऊपर हम ये टेस्ट ट्यूब्स को रखेंगे. अब क्या मेथड है, फर्स्ट है क्रश ए स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड सैंपल इफ़ सॉलिड.
एंड ऐड इट टू द टेस्ट ट्यूब। अब सबसे पहले हमने जो खाने का सैंपल लिया था, हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, उसको पहले तो थोड़ा क्रश करना है उसे, क्रश का मतलब आप समझते हैं ना, उसको तोड़ना है उसके, फिर उसको मसल कर हमें टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देना है। सेकंड, ऐड सम वाटर टू द टेस्ट ट्यूब एंड चेक इट। फिर हमें क्या करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालना है उन सभी टेस्ट ट्यूब में। बहुत सारे हम लोग फूड सैंपल्स लेंगे अलग अलग, और सारे ही टेस्ट ट्यूब के अंदर हम अलग अलग फूड सैंपल डालेंगे। फिर हमने फूड सैंपल डालने के बाद पानी डाला और उसको शेक करा, हिलाया। थर्ड मेथड, ऐड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब। अब हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, जो हमने केमिकल सब्सटेंस लिया था, उनकी कुछ कुछ बूंदें हम सारी ही टेस्ट ट्यूब के अंदर डालेंगे। हीट द टेस्ट ट्यूब फॉर अबाउट 1 मिनट। अब हम क्या करेंगे, एक मिनट के लिए टेस्ट ट्यूब को हीट करेंगे, ठीक है। हमने बर्नर लिया था ऊपर, एक बर्नर क्या होता है, जलने के लिए लिया था, जलाने के लिए। तो बर्नर को जलाकर हम लोग इन जो टेस्ट ट्यूब हैं उनको हम हीट करेंगे। ऑब्जर्वेशन, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज द ब्लू कलर ऑफ द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टर्न्स ग्रीन, इंडिकेटिंग लो शुगर कंटेंट। अब देखिए, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किस कलर का था, ब्लू कलर का, येलो इंडिकेटिंग मीडियम शुगर कंटेंट और ब्रिक रेड इंडिकेटिंग हाई शुगर कंटेंट। अब देखिए, हमने 5 तरीके टेस्ट ट्यूब ली थी और 5 ही तरीके के हमने फूड सैंपल लिए थे अलग अलग। फिर हमने ये मेथड करा पूरा, पहले उसे क्रश करा, फिर टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर कुछ पानी डाल के उसको शेक करा, फिर हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिया था, ये हमारी लेबॉरेटरीज में, स्कूल की लेबॉरेटरीज में प्रेजेंट होता है, उस बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को हमने थोड़ा थोड़ा सारी ही टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाला। फिर हमने क्या करा था लास्ट में, उसको बर्नर के ऊपर हीट करा था, गर्म करा था। तो गर्म करने के बाद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन किस कलर का था, ब्लू कलर का। उन फूड सैंपल के अंदर कितना ग्लूकोज प्रेजेंट है, कितना शुगर प्रेजेंट है, हम यही पढ़ रहे हैं ना, शुगर, स्टार्च, ग्लूकोज, खाने के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम लोग, खाना किन किन कंपोनेंट से बना है। तो उसका जो ये कंपोनेंट है खाने का, ग्लूकोज, कितना प्रेजेंट है उस खाने के अंदर, ठीक है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें ग्लूकोज, शुगर कितनी प्रेजेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करते हुए बेनेडिक्ट जो सॉल्यूशन हमने लिया था वो अपना कलर चेंज कर लेगा। तो देखिए, फर्स्ट वाली टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लू कलर दे रखा है और नीचे लिखा हुआ है NONE, नन, ठीक है, नन। तो इसका क्या मतलब हुआ, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ब्लू कलर का था, हमने उसको टेस्ट ट्यूब में डाला फर्स्ट वाली, तो वो ब्लू ही रहा हीट करने पर, गर्म करने पर, यानी उसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ब्लू कलर का होता है, ठीक है। अब देखिए, हमने दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला था और उसको हीट कराया बंसन बर्नर पर, तो वो हरे रंग का हो गया नीले से, तो इसका मतलब है कि थोड़े अमाउंट में ग्लूकोज, शुगर प्रेजेंट है। फिर येलो रंग में तीसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डाला, तो वो येलो कलर का हुआ, तो इसका मतलब है उससे थोड़ा ज़्यादा प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, शुगर उस खाने के सैंपल के अंदर। फिर देखिए, यहाँ ऑरेंज कलर दे रखा है और मॉडरेट लिखा हुआ है नीचे, तो मॉडरेट का मतलब है थोड़ी ज़्यादा, लो से थोड़ी ज़्यादा, यानी इस खाने के अंदर, इस सैंपल के अंदर और ज़्यादा शुगर प्रेजेंट है। अब लास्ट के अंदर है हाई, एकदम डार्क रेड दे रखा है, तो इस हाई के अंदर, रेड के अंदर, इसका मतलब है अगर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन ब्लू से रेड में बदल जाता है, यानी कि उस खाने के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज प्रेजेंट है। जो भी हमने फूड सैंपल लिया है उसके अंदर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन डालने के बाद, हीट करने के बाद, हम देखते हैं कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर नीले से एकदम डार्क रेड हो गया है, तो इसका मतलब क्या है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर ग्लूकोज बहुत सारी मात्रा में प्रेजेंट है। कंक्लूजन, द चेंजिंग ऑफ द कलर ऑफ बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ शुगर, ठीक है। अब क्या कंक्लूजन निकला, देखिए, हमने 5 फूड सैंपल लिए, 5 टेस्ट ट्यूब लिए, पानी लिया, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन लिया और बंसन बर्नर लिया था उन टेस्ट ट्यूब को गर्म करने के लिए। तो क्या हुआ इन सबसे, हमने देखा बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ, ठीक है। ब्लू था बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब में डाला तो ब्लू ही रहा, तो उसका मतलब इसके अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट नहीं है। सेकंड में थोड़ा हरा हुआ, यानी थोड़ी प्रेजेंट है। फिर येलो हुआ, यानी थोड़ी और ज़्यादा प्रेजेंट है। ऑरेंज कलर हुआ, यानी उससे भी ज़्यादा इस वाले फूड सैंपल में ग्लूकोज प्रेजेंट है। लास्ट में हुआ डार्क रेड, तो इसका मतलब है इसके अंदर ग्लूकोज का कंटेंट, इस फूड सैंपल के अंदर ग्लूकोज का अमाउंट बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है। तो इससे हमने क्या कंक्लूजन निकाला,
कि जो बेनेडिक सॉल्यूशन का कलर चेंज हुआ उसने क्या कंफर्म कर दिया कि उस फूड सैंपल के अंदर शुगर प्रेजेंट है। अब हमने शुगर तो देख लिया, कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है शुगर। इस एक्टिविटी में हमने इस एक्टिविटी को परफॉर्म करके हमने शुगर का प्रेजेंस देख लिया। अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में स्टार्च को देखेंगे, ये भी कार्बोहाइड्रेट का एक पार्ट है। इसे खाने पर हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। पहले तो ग्लूकोज में इसको कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी, ठीक है, फिर क्या होता है ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और वो हमें क्या देती है, ताकत देती है काम करने की, एनर्जी देती है। टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन फूड सैंपल, अब इस नेक्स्ट एक्टिविटी में देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, दो हम लोग फूड सैंपल लेंगे और उसके अंदर हम स्टार्च की प्रेजेंस को देखेंगे। मटेरियल्स नीडेड, फूड सैंपल लेंगे, कुछ भी खाना ले लो आप, वाटर, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन एंड टेस्ट ट्यूब ले लेनी है, ठीक है। आयोडीन सॉल्यूशन भी हमारी लेबॉरेटरीज में हमें मिल जाएगा इजीली। तो क्या मेथड है, क्रश अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द फूड सैंपल इफ़ सॉलिड, अगर हमने फूड सॉल्यूशन जो सैंपल लिया है वो सॉलिड फॉर्म में लिया है तो उसे हमें क्रश करना है एंड एड इट टू द टेस्ट ट्यूब, और उसे हम लोग क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे। फिर वही पूरा प्रोसीजर होगा जो ऊपर करा था, हम लोग उसके अंदर कुछ वाटर डालेंगे, एड सम वाटर टू द टेस्ट ट्यूब एंड चेक इट, उसे हिलाएंगे, फिर हम डालेंगे टेस्ट, लेट द टेस्ट ट्यूब कूल। अब देखो एक डिफर है, वहाँ तो हमने गर्म करा था शुगर देखने के लिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसे ठंडा होना देंगे। पहले तो उसे शेक करेंगे और उसको ऐसे ही छोड़ देंगे, देन एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन टू इट। अब हम लोग क्या करेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन जो डाइल्यूट है हमें पतला चाहिए, ठीक है। अब ये डाइल्यूट और कंसनट्रेशन क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि इस डाइल्यूट का मतलब क्या होता है। तो हम डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे और उसके अंदर कुछ उसकी बूंदें दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। ऑब्जर्वेशन, द फूड सैंपल टर्न ब्लैक, ब्लू ब्लैक, द फूड सैंपल कंटेन स्टार्च। कंक्लूजन, अब देखिए यहाँ दो टेस्ट ट्यूब दे रखी हैं, पहले वाले टेस्ट ट्यूब में क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, ब्राउन कलर है, इसका मतलब ये है कि इस फूड सैंपल के अंदर स्टार्च नहीं है। दूसरा देखिए आप, एक ब्लू ब्लैक, एकदम डार्क ब्लू ब्लैक कलर का ये हमारा टेस्ट ट्यूब का जो फूड सैंपल था ये हो गया, इसका कलर चेंज हो गया। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या दिखा रहा है कि इस फूड सैंपल के अंदर स्टार्च प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये हमने स्टार्च की भी एक्टिविटी कर ली, कुछ नहीं करना, जैसे हमें कुछ फूड सैंपल्स ले लेंगे, उन्हें क्रश करके टेस्ट ट्यूब में डालेंगे, पानी डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे और उसे थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। कुछ देर बाद हम देखेंगे एक हमारा जो सैंपल है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो गया और एक नहीं हुआ, तो जो नहीं हुआ उसका मतलब है उसके अंदर स्टार्च नहीं है इसलिए वो नहीं हुआ, और जो दूसरा हुआ है उसके अंदर क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का टाइप है, मैंने आपको बताया था शुगर और स्टार्च दोनों। तो ये हमने दो एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर ली, जिसमें हमने फर्स्ट एक्टिविटी में तो ग्लूकोज की प्रेजेंस देखी थी हमारे खाने के अंदर, जो खाना हम खाते हैं, और सेकंड एक्टिविटी में देखा हमने स्टार्च की प्रेजेंट, और ऊपर हमने देखा था कुछ फूड जो हमारे पास सोर्सेज हैं, कुछ खाने देखे थे जो हमें स्टार्च देते हैं, शुगर देते हैं। शुगर कौन कौन से देते हैं, टेबल शुगर, जो आपके घरों में शुगर प्रेजेंट है मीठी वाली, आपके जो किचन्स में प्रेजेंट है उसे टेबल शुगर कहते हैं। फ्रूट्स, आपके फल और हनी, और मिल्क के अंदर भी शुगर प्रेजेंट होती है जिसे हम लैक्टोज बोलते हैं। तो दूसरा कार्बोहाइड्रेट था स्टार्च। अब स्टार्च कहाँ बनती है, प्लांट्स के अंदर बनती है, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं पत्तियों में और उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके स्टोर कर लेते हैं। और वो कौन कौन से प्लांट थे जो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, व्हीट हुआ, आपका कॉर्न हुआ, पटेटो हुए, ये सारे क्या हैं, स्टार्च वाले प्लांट जो कि ग्लूकोज तो बनाते हैं पर उसे स्टार्च के अंदर बदल कर स्टोर कर लेते हैं। तो ये हमने हमारी दो एक्टिविटीज़ हुई इस वीडियो में, इतना ही, थैंक यू।